भारत रत्न राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर नैना देवी विधानसभा क्षेत्र के विधायक व अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य रामलाल ठाकुर ने राजीव गांधी कोविड 19 सहायता एवं परामर्श केंद्र की स्थापना की, जिसमें उन्होंने हर पंचायत से एक पार्टी के कार्यकर्ता को इसका सदस्य बनाया, जो 24 घंटे अपना फोन खुला रखेगा और कोरोना से संबंधित अगर किसी भी व्यक्ति को कोई समस्या आएगी तो वह कमेटी का सदस्य उनकी सहायता करेगा। रामलाल ठाकुर ने कहा कि अगर कहीं भी किसी भी मरीज को अस्पताल या अन्य जगह पर बेड, ऑक्सीजन, ब्लड इत्यादि की जरूरत पड़ेगी तो उनकी घर द्वार सहायता की जाएगी। उन्होंने कहा कि इस कमेटी में और सदस्यों को भी जोड़ा जाएगा। आज राजीव गांधी की पुण्य तिथि पर 9वें चरण का अभियान नमहोल से मास्क तथा सैनिटाइज बांटकर अभियान की शुरुआत की गई। उन्होंने बताया कि पूरी विधानसभा में यह अभियान चलाया जाएगा और हर गांव के सभी वार्डों को सैनिटाइज भी करवाया जाएगा और शीघ्र ही 9वें चरण को पूरा किया जाएगा। उन्होंने बताया कि महामारी के चलते आगे भी इस तरह यह अभियान चलता रहेगा और राजीव गांधी कोविड 19 सहायता एवं परामर्श केंद्र को अच्छे तरीके से चलाया जाएगा। मेरे से बन पाएगा, मैं उसको उसमें लगा हूँ और मैंने पहले ही कहा कि जब तक ये कोरोना समाप्त नहीं हो जाता तब तक मैं सारा ये सैनिटाइजेशन का कार्यक्रम और भी जो मदद करने की होगी ये मैं निरंतर जो है वो अपने चुनाव क्षेत्र में करूँगा। आज से हमने जो है ना एक कमेटी गठन करी है राजीव गांधी जी के नाम से। मैं दोबारा से जो है वो हर पंचायत से एक दो दो आदमी बीच में डाल के इस कार्यक्रम को जो है वो एक तो पार्टी लेवल पे महात्मा गांधी के नाम से जो है वो कार्यक्रम चला है और आज से मैं अपने चुनाव क्षेत्र में स्वर्गीय राजीव गांधी जो भारत रत्न हमारे थे, हमारे पार्टी के अध्यक्ष रहे हैं, भारतवर्ष के प्रधानमंत्री रहे हैं और जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति इस भारतवर्ष की एकता और अखंडता के लिए दी है, आज उसको मनाने के लिए अब हम ये जो संक्रमण चला है, ये कोविड 19 का जो दौर चला है उसके नाम उनके नाम से जो है वो ये कार्यक्रम हम पंचायत पंचायत वाइज हमारे जो नई जो हमने नोटिफिकेशन करनी है हर पंचायत उसमें कवरअप होगी। जिसको जो तकलीफ हो वो उस कमेटी को बताए और कमेटी अपने तौर पे जो न कर सके वो मेरे को बताए। मेरा टेलीफोन 24 घंटे खुला रहेगा कि जो भी जिसकी मदद करने की हो, कहीं पे कोई एडमिशन का हो, कहीं पे जो है ऑक्सीजन की दिक्कत है या मैं कहूँगा कोई एडमिशन की दिक्कत है, यही नहीं अगर मान लो कोई चंडीगढ़ और दूसरी जगह पे भी अगर कोई मदद करने की होगी तो मैं ये कहूँगा व्यक्तिगत तौर पे एक विधायक के नाते मैं उसका पालन करूँ।